दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपके ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह प्रछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहोम साह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म्स ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल ख़ैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जा, जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की मां के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वह अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा हालांकि थुमबाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमयी खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंजूर से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युगों से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से सो चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहां पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर जरूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फ़िल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा आज सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ, मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमा घर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सुहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की मां के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की मां है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा आले के थुमबाड़ी के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन में जहां पर विनय की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंजु से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो थुम नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम्बाड़ लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम्बाड़ा तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहां पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि मूवी आपको अच्छी लगेगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे दो में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा घर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है चूँकि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम सा फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज हुई थी इसके अलावा आज सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सोहम साह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा हालांकि थुम्बाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन में जहाँ पर विनय की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंज से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो थुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से सो चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो से दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में एंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालाँकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा सीविडन में भी रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती है वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितंबर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वह अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुरा दिया जाएगा हालांकि थुम्बाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन एटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमयी खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंज से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युगों से भूखा है और बिना एक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक स्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागो को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हसर राघों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहां पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे दो में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टीवी पर आई और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस पूरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है चूंकि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा आज सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पे होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ, मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुरा दिया जाएगा आले के थुमबाड़ी के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमयी खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदा दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो थुम नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गज़ब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फिल्म के बारे में आगे बताऊँगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालाँकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हूँ क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम सा फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा सीविडन में भी रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ, मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में कि स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे इसेगा हालांकि थुमबाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन एटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंजीर से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदा दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए तुम्बाड़ लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और बिना एक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से सो चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हसर राघो पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे दो में रिलीज कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टीवी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह प्रस्ताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा घर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस पूरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है चूँकि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम सा फिल्म कलर एल प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज हुई थी इसके अलावा आज सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पे होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो आ, मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सोहम साह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को पांडुरंग्रद्धि देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुरा दिया जाएगा हालांकि थुम्बाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन में जहाँ पर विनय की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंज से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो थुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की जिंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो से दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालाँकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म्स ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा सीविडन में भी रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितंबर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की मां के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की मां है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा आले के थुम्बाड़ी के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन एटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंजू से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वह तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और बिना एक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक स्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागो को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हसर राघो पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे चला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहां पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो से दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे दो में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस पूरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा आज सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पे होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल ख़ैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है शोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुरा दिया जाएगा आले के थुमबाड़ी के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन में जहाँ पर विनाय की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंझु से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदा दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो थुम नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम्बाड़ लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फिल्म के बारे में आगे बताऊँगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह प्रस्ताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा घर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हूँ क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम सा फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज हुई थी इसके अलावा सविडन में भी रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ, मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल ख़ैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में स्टोरी क्या है शोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की मां के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की मां है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुरा दिया जाएगा हालांकि थुम्बाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन एटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में झंझ से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और बिना एक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक स्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हसर राघों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे दो में रिलीज कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टीवी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह प्रस्ताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा घर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस पूरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है चूँकि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम सा फिल्म कलर एल प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्मस ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज हुई थी इसके अलावा सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पे होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सोहम साह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को पांडुरंग्रद्धि देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा हालांकि थुमबाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन में जहाँ पर विनय की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहश्यमयी खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंझु से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार का को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही तो है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो से दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालाँकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म्स ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज हुई थी इसके अलावा सीविडन में भी रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पे होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की मां के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की मां है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुरा दिया जाएगा हालांकि थुम्बाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में झंझ से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और चदासीव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वह तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युगों से भूखा है और बिना एक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से सो चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागो को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हसर राघों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहां पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा आज सिवीडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पे होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ, मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल ख़ैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सुहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा हालांकि थुम्बाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन में जहाँ पर विनय की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में झंझू से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो थुम नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम्बाड़ लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर जरूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन पराइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह प्रस्ताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा घर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस पूरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमा घर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालाँकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हूँ क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम सा फिल्म्स कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म्स ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा सीविडन में भी रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ, मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वायरल ख़ैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितंबर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में स्टोरी क्या है शुभम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की मां के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की मां है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा आले के थुम्बाड़ी के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन एटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंजीर से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो तुम्भार नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युगों से भूखा है और बिना एक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक स्तर की लंगोटी से सोने चुपके से सो चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर राघो पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर करती है कि इसका बॉक्स कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे दो में रिलीज कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह प्रस्ताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एल प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्मस ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज हुई थी इसके अलावा सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सोहम ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा आले के थुमबाड़ी के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहश्यमयी खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंझु से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो थुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान ज़रूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फिल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालाँकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हूँ क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एल प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज हुई थी इसके अलावा सिविडन में भी रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में की स्टोरी क्या है ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुरा दिया जाएगा हालांकि थुमबाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन एटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंजीर से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदासी दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वह तुम्भार नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युगों से भूखा है और बिना एक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक अस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागो को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर राघों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देख आप हैरान ज़रूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर जरूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फिल्म के बारे में आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन पराइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालाँकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हूँ क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम सा फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा सिविडन में रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ, मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में कि स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की मां के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की मां है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा आले के थुम्बाड़ी के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन एटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंजीर से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए तुम्बाड़ लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार का रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हसर राघों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे दो में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह प्रस्ताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा घर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है चूँकि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम सा फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पे होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सोहम साह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुला दिया जाएगा हालांकि थुम्बाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन में जहाँ पर विनय की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदा दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो थुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागो को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर राघों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो से दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फ़िल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उल्टी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में एंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालाँकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म्स ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा सीविडन में भी रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पर होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती है वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितंबर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वह अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुरा दिया जाएगा हालांकि थुम्बाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाती है नाइनटीन एटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमयी खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंज से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वह तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक स्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागो को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हसर राघों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे चला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहां पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फिल्म के बारे में आगे बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे दो में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टीवी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह प्रस्ताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस पूरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है चूंकि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हो क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फ़िल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है यह मूवी भारत के अंदर रिलीज़ हुई थी इसके अलावा आज सिविडन में भी रिलीज़ हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पे होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में ये स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की माँ के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्ध देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे बुरा दिया जाएगा आले के थुमबाड़ी के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में झंझ से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वे नींद में चली जाती हैं सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो थुम नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए थुम लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युग से भूखा है और विनायक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हस्तर रागों पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जो निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी दोस्तों आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम यहाँ पर एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मूवी दोस्तों ऐसी है कि जब आप इसे देखने बैठते हैं ना तो आपका ये पौने दो घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम से कम पचास करोड़ का तो हो ही जाए और ये मूवी दो सौ दोबारा भी रिलीज़ हो रही है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे और कुछ फैक्ट मैं आपको जो है वो फिल्म के बारे में आगे बताऊँगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जानते हैं मूवी के कुछ फैक्ट और कुछ स्टोरी यहाँ पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ तो अगर बात की जाए तो फिल्म के बारे में तो मूवी जो तम्बाड़ है इसे 2018 में रिलीज़ कराया था और जब ये मूवी आई थी तो ऑडियंस को जो है पसंद भी आई थी लेकिन सिर्फ उलटी के ऊपर मतलब जब टी पर आई और अमेजन प्राइम वीडियो पर आई तो लोगों ने देखा और प्यार दिखाया लेकिन तब यहाँ पर यह पछताव हो रहा था लोगों को कि काश इस मूवी को हमने सिनेमाघर में देखा होगा लेकिन आप आपकी इच्छा दोस्तों वापस बुरी होने वाली है क्योंकि मूवी को रिलीज़ कराया जा रहा है तेरह सितंबर को एक बार फिर से और ये मूवी आप एक बार फिर से सिनेमाघर में इंजॉय कर पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बार इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और एक बार फिर से जो है वो मतलब मूवी के मेकर्स जो है तबाही मचाने वाले हैं हालाँकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रहेगा लेकिन ये पहले वाला पार्ट दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने काफ़ी समय पहले देखा था और आज भी दोस्तों इसकी कहानी में नहीं भूल पाया हूँ क्योंकि कहानी इतनी गजब की है कि कोई भी नहीं भूल पाता है इसे प्रोड्यूस किया था इरोस इंटरनेशनल सोहम शाह फिल्म कलर एलो प्रोडक्शन इसके अलावा फिल्म गेट फिल्म ने और इसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था इरोस इंटरनेशनल ने यह मूवी 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी और इसका रन टाइम लगभग दोस्तों जो है पौने दो घंटे का है ये मूवी भारत के अंदर रिलीज हुई थी इसके अलावा सिविडन में भी रिलीज हुई थी और इसका बजट पाँच करोड़ का बताया जा रहा है और कारोबार इसका तेरह करोड़ का हुआ था मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप हिट कह सकते हैं क्योंकि बजट से लगभग डबल कलेक्शन इसका हुआ है तो एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होता तो फिर मज़ा आता मतलब जो है इसका कलेक्शन दोस्तों जो है वो कम से कम पचास करोड़ का उस टाइम पे होता तो फिर मज़ा आता और जो है वो ऑडियंस मतलब जो है वो हाँ मतलब उस टाइम पे कुछ और प्यार देती मतलब लोग इसे देखते ज़्यादा तो फिर ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब होती वायरल खैर अब ये मूवी दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुकी है और हर कोई इसे देखना भी चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तेरह सितम्बर को ये मूवी आप वापस से एक बार सिनेमाघर में देख पाएंगे और इस मूवी को बहुत सारे दोस्तों अवार्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड भी इसे मिले हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले जानते हैं इसकी कहानी के बारे में कि स्टोरी क्या है सोहम शाह ने यहाँ पर विनायक राव का रोल निभाया हुआ है इसके अलावा हर्ष के यहाँ पर हस्तर के रूप में है और विनायक की मां के रूप में यहाँ पर ज्योति मालसे होते हैं दरअसल कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से जो अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि देवी के बारे में बताता है जो कि अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की मां है लालच में डूबी उनकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है लेकिन जब वे अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उनकी जान बचाई और इस शर्त पर कि उसे इसे हालांकि थुमबाड़ी के, के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया जिससे देवता भड़क गए और इन्होंने गांव को लगातार बारिश का शराब दे दिया मतलब इस गांव के अंदर बारिश ही होती रहेंगी जैसे कि आप फिल्म के अंदर देख पाएंगे फिल्म की कहानी जाते हैं नाइनटीन एटीन में जहाँ पर विनायक की माँ स्थानीय स्वामी सरकार की रखेल है और उनके रहस्यमय खजाने में सब कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ और उसके अलग कमरे में जंजीर से बंधे रहते हैं और जब यहाँ पर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है तो घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है लेकिन फिर जो विनायक है उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है और वह हस्तर का नाम लेता है और जिससे वह नींद में चली जाती है सरकार और सदासी दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि वापस कभी जो है वो तुम्बाड़ नहीं आएगा और पंद्रह साल बाद विनायक गरीबी की ज़िंदगी से बचने के लिए तुम्बाड़ लौटता है और बूढ़ी औरत जो कि अभी भी जीवित है और उसके शरीर में एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है और वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका सिखाती है गर्भ के अंदर हस्तर रहता है जो कि देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युगों से भूखा है और बिना एक रस्सी से सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ जो फुसलाता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने चुपके से चुरा लेता है और जल्दी ही गर्भ से भाग जाता है और फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए वो पुणे से थुम तक यात्रा करता रहता है और उन्हें अपने दोस्त और साहूकार रागों को बेचता है जो कि विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है और वह विनायक को थुम्बाड़ तक पीछा करता है और उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है और हसर राघो पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है हालांकि फिल्म के अंदर आगे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर रहेंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत गजब का है और मूवी दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा ये आप सभी को जोश निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ये मूवी सिनेमा घर में आ रही है तो वहाँ पर जरूर देखिए हालांकि मैं भी इसको दोबारा देखने जाने वाला हूँ तो उम्मीद है कि ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी